गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी हम जस्ट फोर्स मोटर के सामने, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ की, अकुर्दी रोड, पता नहीं क्या है भाई, मराठी में लिखा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो हम आए थे सम इन्फॉर्मेशन के लिए जो हमें मिल गई है, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं अपने रूम पर, इधर घूमते हुए भाई साहब इतनी भीड़ लगी हुई थी जॉब के लिए, ITI, डिप्लोमा, BSc, पता नहीं कौन कौन वाले सारे के सारे इधर लगे पड़े हैं। तो अभी चलते हैं, पैदल चलते हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर हाँ। तो चलते हैं अभी रूम पे, ठीक है, उसके बाद आपको सारी जानकारी देंगे कि कैसे कैसे आपको जॉब लगेगा, कैसे कैसे क्या है इसमें, कैसे क्या है सारे के सारे, ठीक है। तो लेट्स गो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी जस्ट घूम के आ ही रहा हूँ फोर्स मोटर में से। तो जिन जिनको भी अगर उसमें जॉब चाहिए, ITI, डिप्लोमा, BTech, पता नहीं और क्या क्या, मतलब बहुत जो नहीं किए उनको भी मिल सकता है। तो एक सर से मेरी बात हुई, ठीक है, तो मैं भी गया था घूमने के लिए, मैं तो आई थी इंटर्नशिप के लिए, लेकिन अब क्या इंटर्नशिप करें, 20-22 जनवरी को रुकना है, ठीक है, क्योंकि वो इससे मिलेगा भी नहीं मिनिमम आपको। तो मैंने बात की कि सर कैसा कैसा किया, तो उन्होंने बताया कि देखो बेटा, ये अभी आपको इसमें भी तुम जॉब करने जा रहे हो ना, तो तुम्हें जॉब तो मिलेगा लेकिन उतना तुम्हारे वो हिसाब से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी जो है लोग सिर्फ ITI वालों को ले रहे हैं, जैसे फिटर, बिल्डर, रिगर, पता नहीं क्या क्या ले जा रहे हैं, और ये 7 महीने के लिए जॉब है, ठीक है। 7 महीने के बाद उन लोगों को उसमें से निकाल देंगे, ठीक है ना। और जो है वो पता नहीं क्या क्या काम बोले कि वो तुमको अपने हिसाब से काम करेंगे, ठीक है, तुम जो कि उससे तुम्हें मतलब नहीं है, तुम्हें अपने हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। और 7 महीने के लिए काम करेंगे, उसके बाद अगर आपको चोट वोट कुछ भी उसमें लगता है या कुछ भी हो जाए तो कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है ना। तो बोले अगर तुमको इसी कंपनी में काम करना है ना, तो मैंने बोला कि सर मैंने अगर ऐसे काम करना है तो कैसे क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि देखो, पहले छोटी कंपनी में जाओ, ठीक है ना, छोटी कंपनी को तुम लोग की ज़रूरत है, ठीक है, वहाँ पर तुम वर्क एक्सपीरियंस लो 2.5-3 साल का, जैसे वो वैसे मतलब वर्क करो, वहीं पर एक्सपीरियंस लो, वहाँ पर तुम्हें अच्छा भी मिलेगा, तुम्हें सीखने को मिलेगा। और इस कंपनी में, बड़ी कंपनी में कोई कंपनी का मतलब नहीं रहता, किससे क्या करना है, किसी यहाँ पर हज़ारों लड़के भरे पड़े हैं, ठीक है, इससे कोई से किसी से किसी को मतलब नहीं है, ठीक है ना। और छोटी कंपनी में आपकी इज्जत भी रहेगी और काम भी अच्छे करने को मिलेगा आपको, आप सीख भी सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अगर आप 3 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं ना, तो ये कंपनी आपको ढूंढेंगी, ठीक है, क्योंकि उसके पास वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है। जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो जानती कि नया है, किसी कुछ भी करवा दो इसे, ठीक है ना, इसे मालूम नहीं रहेगा। तो मैं वहाँ पे घुमा फोर्स मोटर में, और जय हिंद उसी में शायद मर्ज है ना, जय हिंद और फोर्स मोटर दोनों एक ही है, एक ही नहीं अलग अलग, लेकिन दोनों एक ही में है। तो वहाँ पर भी थोड़ा घूमा, लेकिन आपको मैं अंदर सोचा कि सर अंदर घूम सकते, लेकिन बोला कि उन्होंने नहीं, अंदर तो नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि अंदर घूम नहीं सकते, लिमिटेड कंपनी है भाई साहब, किसी फालतू आदमी को अंदर नहीं, जो वर्क करता है, जो काम कर रहे उन्हीं लोग सिर्फ अंदर जा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं उधर घूमा, बोला कि अब चलो भाई सब रूम पे चलते, ठीक है। तो जॉब तो मतलब सुबह सुबह 50-100 लड़के हमेशा वहाँ पर भीड़ लगाए रहते हैं, ठीक है ना। और फिर से वैकेंसी निकलने वाली है जनवरी में, ठीक है, नए साल में। तो जिस जिसको ट्राई करना है, यहाँ पे अकुर्दी रोड उसके जस्ट सामने क्या बोलते हैं थर्मेक्स है, तो वहीं पर आप ट्राई कर सकते हैं भाई, फोर्स मोटर में मिल सकता है। लेकिन पहले अच्छा होगा कि पहले छोटी कंपनी में आप ट्रेनिंग ले ले, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस ले ले, उससे अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको अप्रेंटिस मिलेगा, इंसेंटिव नहीं मिलेगी, ना ही आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिलेगा, नए नए आप जा रहे हैं तो। और आप दूसरे जगह से करके जा रहे हैं तो आपको आप छोटी कंपनी सब चीज़ देगी, वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी देगी, आपको सब चीज़ देगी, लेकिन ये आपको कुछ नहीं देगा। तो मिनिमम आप 3 साल काम करके जा रहे हैं, इसमें 2-3 साल एक्सपीरियंस आपका है, तो आपको अच्छे से मिलेगा, पैकेज भी अच्छा आपको मिलेगा। पैकेज के बारे में तो पता नहीं, लेकिन अभी जो ले रहे थे सुबह में गया था घूमने के लिए, तो 12,000-10,000 ऐसे ही लोगों को ले रहे थे, ठीक है ना, सैलरी ज़्यादा कुछ नहीं था। तो अगर आप नए हैं तो आगे ट्राई भी कर सकते हैं। आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब चलें कल और कहीं और घूमने के लिए, ठीक है, तो वहाँ का आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। तो बाय।